सिटी मॉल में एक बुजुर्ग की एंट्री धोती पहनने की वजह से बैन हो गई। जब मामले ने तूल पकड़ा तो अब कर्नाटक सरकार ने भी कड़ी कार्रवाई की है, मॉल पर 7 दिनों के लिए ताला ही जड़ दिया। धोती को लेकर हंगामा, मॉल में 7 दिन के लिए जड़ गया ताला। 16 जुलाई मंगलवार के दिन बेंगलुरु में एक धोती पहने बुजुर्ग किसान को मॉल में एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद तो किसानों ने मोर्चा खोल दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो कर्नाटक सरकार भी हरकत में आई और मॉल के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। सरकार के आदेश के बाद बेंगलुरु महानगर पालिका ने जीटी मॉल को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया। मॉल के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए। अब 7 दिनों तक लोग मॉल नहीं जा सकते। मामला 16 जुलाई का है, जब हावेरी के रहने वाले एक बुजुर्ग किसान फकीरप्पा और उनके बेटे पिक्चर देखने के लिए बेंगलुरु के जीटी वर्ल्ड मॉल में पहुंचे। लेकिन मॉल में ड्यूटी में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया, क्योंकि बुजुर्ग किसान ने परंपरागत परिधान धोती कुर्ता पहनकर पहुंचे थे। बुजुर्ग ने मॉल के कर्मचारी से इस पर बात की तो वहां से जवाब मिला कि आपने धोती पहनी हुई है, पहले पैंट पहन कर आइए, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। बुजुर्ग ने वहां कर्मचारियों और सिक्योरिटी गार्ड को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। बुजुर्ग कहते रह गए कि उनका घर बहुत दूर है और वो वापस जाकर कपड़े नहीं बदल सकते, लेकिन उनके समझाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब बुजुर्ग शख्स के बेटे ने बात की तो उन्होंने बताया कि मॉल मैनेजमेंट ने ये नियम बनाया है कि कोई भी शख्स मॉल में धोती पहनकर नहीं आ सकता। ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ। फिर क्या था, खबर जैसे ही वायरल हुई उसके बाद तो हंगामा खड़ा हो गया। किसान संगठन विरोध में आ गए, कई किसान धोती पहनकर जीटी वर्ल्ड मॉल पहुंच गए। वो मॉल के सामने वाली सड़क पर बैठ गए, मॉल मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी भी की। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री के मुताबिक ऐसे मामले में सरकार के पास कानून के तहत मॉल को 7 दिन के लिए बंद करने का प्रावधान है। इसके बाद जीटी मॉल पर 7 दिन के लिए ताला जड़ दिया गया। सरकार ने घटना को किसान का अपमान बताया। कर्नाटक विधानसभा में भी मुद्दा जोरों शोर से उछला। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने सरकार से कार्रवाई की मांग की, जिससे आगे ऐसी घटना ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।